रक्षामंत्री न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं देश की राजनीति का क्या है हाल। पादरी ने परिकर की बीमारी को बताया ईश्वर का क्रोध, चर्च ने जताया खेद। गोवा के पादरी कैसिका ऑडी सिल्वा का एक बयान वायरल हुआ, जिसमें वह गोवा के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर परिकर की बीमारी को ईश्वर का क्रोध बताते हुए अपने अनुयायियों से बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं। गोवा चर्च ने बयान पर खेद जताते हुए पादरियों को सलाह दी है कि वे ऐसे राजनीति बयान ना दें। पीएम को सेना के नाम पर वोट मांगने से रोकेगा चुनाव आयोग। अखिलेश, चुनाव आयोग द्वारा बसपा प्रमुख मायावती द्वारा प्रचार पर 48 घंटे की रोक लगाने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है, क्या वे इतने ईमानदार है कि प्रधानमंत्री को सेना के नाम पर वोट मांगने से रोकेंगे। आयोग ने मायावती के खिलाफ मुस्लिमों से उन्हें वोट करने की अपील करने वाले भाषण को लेकर कार्रवाई की है। प्रचार पर 48 घंटे की रोक के खिलाफ मायावती की याचिका SC ने की खारिज। चुनाव प्रचार पर लगी 48 घंटे की रोक के खिलाफ बसपा प्रमुख मायावती की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा नेता आजम खान और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पर हुई कार्रवाई पर कोर्ट ने संतुष्टि जताते हुए कहा, लगता है कि चुनाव आयोग को अपनी शक्तियां याद आ गई है। तो देश की राजनीति में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ना भूलें। धन्यवाद।